जंग का जित, 13वां दिन कई शहरों में हुए हवाई हमले। तेल डिपो पर हुआ यहां पर मिसाइल हमला, मिसाइल हमले के बाद दिखाई पड़ा आग का गुबार। चेन्नईहाइट में भी तेल डिपो पर हुआ हवाई हमला, आग की लपटें आसमान में छाई। यूक्रेन का दावा कि हमने रूस के विमान को मार गिराया, पायलट को भी पकड़ लिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति का वीडियो सामने आया, कहा ना डरा हूं ना छिपा हूं, यूक्रेन में मौजूद हूं। यूक्रेन का बड़ा दावा, खार्किव की जंग में रूस के मेजर जनरल जेरासिमोव की मौत हुई। यूक्रेन के निकोलीव पर रूसी मिसाइल हमले का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी। यूक्रेन के अखर्तिका में जंग से भारी तबाही, बमबारी में कई इमारतें हुई खाक। यूक्रेन में रूसी बेड़े पर यूक्रेन का हमला, मिसाइल से उड़ाई गाड़ियां। कीव को एयरपिन से जोड़ने वाले तबाह हुआ पुल का वीडियो, पुल का बड़ा हिस्सा ढहा। यूक्रेन का दावा, रूसी हमले में 211 स्कूल तबाह हुए, सुमी शहर में तबाही का मंजर। कीव पर रूसी हमले में तबाह हुआ एक गांव। लवीव में चर्च से हटाई गई जीसस की मूर्ति, सुरक्षित स्थान पर ले जाने का दिया गया हवाला। इरपिन से अब तक 2000 लोगों ने किया पलायन। यूक्रेन, रूसी सेना के हमले में खार्किव शहर बुरी तरह से बर्बाद, छात्रों का एक कैंपस खंडहर में तब्दील। रूसी सेना के हमले में चेर्निहाइव शहर बुरी तरह तबाह, बड़ी इमारतों को रूसी सेना ने नुकसान पहुंचाया। रूस यूक्रेन की जंग में बेसहारा, पोलैंड से छात्रों का लौटना लगातार जारी, अभी भी सैकड़ों छात्र कतार में नजर आ रहे हैं। 17 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से निकले, मध्य यूरोप में बने शरणार्थी।